बिहार में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बता दें कि अगले 24 घंटे में बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने वाला है, जिसके कारण इन जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले एक महीने से बिहार में भयंकर गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अब बिहार वालों को बहुत जल्दी गर्मी से राहत मिलने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक समर सिंह गुप्ता के अनुसार 6 मई से लेकर 11 मई के बीच पूरे बिहार में मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राज्य के पूर्व हिस्से में आज से ही पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे समस्त प्रदेश में नमी युक्त पूर्वा हवा के प्रभाव बढ़ने से राज्य के अधिकांश भागों में 6 मई से 11 मई की अवधि के दौरान अनेक स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और सतही हवा की गति झोंके के साथ 40 से 50 किलोमीटर घंटे रहने की संभावना है। इस दौरान किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कटे हुए फसल के सुरक्षित स्थान पर भंडारण की उचित व्यवस्था कर लें। आज यानी 5 मई को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मैधोपुर, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में बादल छाए रहने की संभावना बताई जा रही है और साथ ही बारिश भी होने की संभावना है। आज बिहार का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में कमी आने की प्रबल संभावना है। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं 4 मई की बात की जाए तो 4 मई से ही मौसम का हाल धीरे धीरे बदलने लगा है। इस दिन शेखपुरा और वैशाली में लू रिकॉर्ड किया गया। वहीं 14 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया, शेखपुरा में 42.1 डिग्री सेल्सियस, वैशाली में 41.7 डिग्री सेल्सियस, भोजपुर में 41.3 डिग्री सेल्सियस, नवादा और अरवल में 41.1 डिग्री सेल्सियस और पटना में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोकल 18 पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट।